हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इट्राकनाजोल कैप्सूल के बारे में। इस इट्राकनाजोल कैप्सूल की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि क्या इसका यूजेस होते हैं, क्या इसका स्ट्रेंथ में आती है, किन किन स्ट्रेंथ में, और क्या इसकी डोज लेनी होती है। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, यानी कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफेक्ट। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक बने रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो इट्राकनाजोल ये एक एंटीफंगल दवा है गाइस, जो फंगल इन्फेक्शन को किल करने या फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के यूज में इस दवा को लाया जाता है, जो बिलोंग करती है ट्राइजोल ग्रुप से। और इसी के ग्रुप की और दवाएं जो होती हैं, फ्लुकोनाजोल, म्यूकोनाजोल वगैरह, उनसे ये ज्यादा बेहतर, इट्राकनाजोल जो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, उनसे ज्यादा सुपीरियर है ये। और फ्लुकोनाजोल पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है गाइस, अगर आपको उस टेबलेट के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे और आई बटन पे भी उसको मिल जाएगा आपको, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो है एक एंटीफंगल दवा होती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के यूज में इसको लाया जाता है। अब गाइस बात करते हैं इसके फेमस ब्रांड नेम की, क्या इसके फेमस ब्रांड नेम रहते हैं, किस किस नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता कैंडी फोर्स कैप्सूल, उसके बाद आईटी मैक कैप्सूल और स्पोरोनैक नॉक्स कैप्सूल, कैंडी ट्राल कैप्सूल और कैंडी स्टाल कैप्सूल। इन नामों से आपको ये आसानी से मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे। इन नामों से अगर नहीं मिलता तो इसका इट्राकनाजोल जेनरिक नेम जो, उस नाम से तो आपको मिल ही जाता है। अब इट्राकनाजोल की कोई सी भी ब्रांड की इससे खरीद सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहती है। तो दो तरह की स्ट्रेंथ में आती है, 100 mg में और 200 mg, मतलब 200 mg में, दो तरह की स्ट्रेंथ में आती है। अब गाइस बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसको यूज में लिया जाता है किसी भी तरीके का अगर फंगल इन्फेक्शन है आपकी स्किन पे, आपकी चमड़ी पे, तो उस फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के यूज में इसको लाया जाता है। जैसे कि आपके शरीर पर दाग है कहीं, दाग तो उस फंगल इन्फेक्शन को खत्म करेगा, और टीनिया का कोई फंगल इन्फेक्शन है, या फिर कैंडिडाइसिस का इन्फेक्शन है, जेनिटल एरिया पर आपके खुजली है, जो प्राइवेट एरिया उस पर आपके खुजली है और काफी समय से आप परेशान है खुजली से, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है तो ठीक कर देता है। इसके अलावा टीनिया कैपिटिस, टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया क्रूरिस, कोई भी टीनिया का इन्फेक्शन है, ओवरऑल टीनिया का इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें इस कैप्सूल को दिया जाता है तो उस कंडीशन में ठीक कर देता है। और रिंग वार्म वाला जो इन्फेक्शन होता है, जो जिसमें गोल से आकार से दाग बन जाते हैं, उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है तो ये ठीक कर देता है। गाइस बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, क्या क्या साइड इफेक्ट इस दवा को लेने से आ सकते हैं। तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और हेडेक हो सकता है, रेशिश्य पड़ सकते हैं आपकी स्किन पे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन बन सकता है, गैस ज्यादा बनेगी, और यूरिन या स्टूल का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, और बाकी और भी इसके अलावा अगर कोई आपको और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस दवा को रोकें और अपने डॉक्टर को बताएं कि ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। अब गाइस बात करते हैं इसकी डोज की, क्या डोज लेनी होती है। तो गाइस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उसका सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, खुद से कोई भी दवा ना लें। वो आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे कि किस टाइम तक आपको लेना है इस दवा को, कैसा आपको लेना है और कितनी डोज इसकी लेनी है, वो डिपेंड करता है आपके वेट, एज, सीवियरिटी, क्या सीवियरिटी है, कितना टाइम पुराना आपका फंगल इन्फेक्शन है, उन सब बातों पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो आप खुद से इस दवा को ना लें या कोई और दवा, एलोपैथिक दवा ना लें, या फिर हमारी वीडियो को देखकर सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। गाइस इसकी एडल्ट डोज की बात करें तो इसकी जो एडल्ट डोज है 100 mg का कैप्सूल दिन में बीडी दिया जा सकता, मतलब 100 mg सुबह, 100 mg शाम को दिया जा सकता है, या फिर 200 mg का कैप्सूल ओडी में भी दिया जा सकता, मतलब 200 mg का कैप्सूल दिन में एक बार आप दे सकते हैं। कितने दिन तक ये कैप्सूल चलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी सीवियरिटी पर। तो इसको खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। और गाइस अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है इसमें, इसे अगर आप ले रहे हैं तो। अगर एलर्जिक कंडीशन है, किसी को एलर्जिक है इस दवाई से, इसकी ग्रुप वाली दवाइयों से, तो वो इस कैप्सूल को ना ले। और प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता, प्रेगनेंसी में भी अगर देना है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के आधार पर ही इस कैप्सूल को ले सकते हैं। और लीवर डिसीज अगर किसी को, तो वो भी ना ले। हार्ट डिसीज है या फिर किडनी डिसीज है तो उस कंडीशन में भी ये दवाई नहीं दी जाती है, इट्राकनाजोल का कैप्सूल तो नहीं दिया जाता। 12 साल से अगर छोटे का बच्चा है कोई तो उसको भी नहीं दिया जाता,
या फिर ब्रीस्ट फीडिंग है, कोई मतलब कोई मदर है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो उस कंडीशन में भी एट्राकनाजोल कैप्सूल नहीं दिया जाता उसको। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी एट्राकनाजोल कैप्सूल से रिलेटेड दी है। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिल सके इस वीडियो को देखकर, या वो बेहतर ट्रीटमेंट ले सके। और भी हमारी काफी सारी फंगल इन्फेक्शन पे वीडियो बनी हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और एक और हमारा चैनल है डीआरएक्स रब्बानी नाम से, तो उस चैनल पे भी जाकर विजिट करें, उसमें भी काफी नॉलेजेबल वीडियो बनी हुई है मेडिकल से रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच।